फैमिली, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ रिया और आप देखो लाइव स्टाइल अनबॉक्सिंग। आज का पार्सल मीशो से है और मीशो से मंगाया था मैंने समर कुर्ती सेट। आप लोग देख ही सकते हो कि कितने सारे कुर्ती सेट है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि कुर्ती सेट कैसे कैसे आए हैं। यह है पहला पार्सल और ये रहा पिक, जैसा पिक में दिखाया था सेम टू सेम ही बाहर से दिख रहा है क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी है। इसका जो प्राइस है वो 495 रुपये है। बाकी हम लोग जल्दी से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। जिसका साइज है वो एल साइज है क्योंकि मुझे लग रहा था समर में पहनने के लिए सारे ड्रेसेस लूज लूज होने चाहिए और अगर रियोन का मटेरियल हो तो वो लूज होता है तभी सही लगता है। बाकी आप लोग देख सकते हो जैसा पिक में दिखाया था बाहर से तो सेम टू सेम ही है। इसका जो मटेरियल है वो 8 सिल्क में है और ये मुझे 3 पीस में रिसीव हुआ है। ये कुर्ती है और ये दुपट्टा है और ये पैंट है। दुपट्टा तो आप लोग देख ही सकते हो कितना ज्यादा ही मस्त लग रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुर्ती की, तो आप देख सकते हो राउंड में नेक है, फ्रंट में भी बैक में भी। इसका जो स्लीव है ये 10 में है। बाकी आप देख सकते हो इसका साइन सिल्क का मटेरियल इसलिए इसमें साइन है और फ्रंट बैक दोनों ही साइड में पूरा ही प्लेन है। इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा भारी नहीं है और यहाँ पे ये बॉर्डर दे रखा है, यहाँ से सिलाई करके एक बॉर्डर जैसा बना के रखा है। बात करते पैंट की, तो इसका जो मटेरियल है वो 8 सिल्क है। कमर के यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है, इसके लेंथ वगैरह तो सही है। जिसका साइज है वो एल साइज है। बात करते हैं दुपट्टे की, तो इसका जो मटेरियल है वो ऑर्गेन्जा है। बाकी इसका प्रिंट आप लोग देख ही सकते हो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका जो लंबाई है वो 2 मीटर ही है और जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है। बाकी मैं आप लोगों को वियर करके दिखाती हूँ फिर बताती हूँ कि क्या लुक होगा और क्या इसकी रेटिंग होगी। आप लोग देख ही सकते हो ये मैंने वियर करके दिखाया है और आप लोग देख सकते हो इसका बैक लुक, इसका फ्रंट लुक, इसका जो दुपट्टा है वो देखने में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। दुपट्टे के चारों साइड में एक पिंक कलर का लेस भी लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हो और प्रिंट बहुत ज्यादा अच्छा है। मटेरियल ऑर्गेन्जा है, लेंथ चौड़ाई दोनों ही परफेक्ट है और कुर्ती की लेंथ आप देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा है और पैंट की फिटिंग भी एकदम परफेक्ट है। कुर्ते मेरे को इसलिए थोड़ा सा लूज हो रहा है क्योंकि मेरे को एस साइज आता है, मैंने एल साइज मंगा लिया था। मैंने सोचा समर के लिए थोड़ा लूज लूज मंगाते हो तो एम साइज अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने एल मंगा लिया था, इसलिए मेरे को लूज हो रहा है। ओवरऑल कमी की बात करें तो कोई भी कमी नहीं है। मेटेरियल क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छा है, सिल्क उन्होंने अच्छा खासा मेटेरियल दे रखा है और ये ट्रांसपेरेंट भी बिल्कुल नहीं है। अगर रेटिंग की बात करो तो 10/10 है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। ये है नेक्स्ट पार्सल और ये रहा पिक। ये भी ओपन बॉक्स डिलीवरी है, बाहर से ही देख के पता चल रहा है कि वाइट वाइट ही कुछ दिख रहा है। इसका जो प्राइस है वो 495 रुपये है। बाकी हम लोग जल्दी से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ज्यादा हार्ड है, ये कोई बात नहीं जल्दी से। ये देखिए इसका जो साइज है वो एम साइज है। बाकी जल्दी से करते ओपन और ये देखिए इसका जो मटेरियल है वो कॉटन है और इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो वाव से भी वाव है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये मुझे 2 पीस में रिसीव हुआ है, एक कुर्ती है और एक पैंट है। हम सबसे पहले कुर्ती की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो एम साइज है। इसका नेक कॉलर में नेक है और इसका फ्रंट में जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है और काफी ज्यादा यूनिक है। जिसका स्लीव है वो यहाँ से थोड़ा चुन्नटों में पप स्लीव में है और ये साइड में बॉर्डर लगा हुआ है, यहाँ पे एक बटन भी लगा हुआ है, यहाँ पे ये बटन के साथ एडजस्ट करने के लिए है। इसके फ्रंट में ही वर्क कर रखा है, बैक साइड में पूरा ही प्लेन है और जो इसका नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा सा राउंड में कट है। ओवरऑल जो कुर्ती है वो पिक में जैसा दिखाया था उससे भी ज्यादा अच्छा आया है। बात करते हैं पैंट की, तो आप देख सकते हैं इसके कमर के यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है और सेम ही कॉटन का मटेरियल है और इसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो ये चुन्नटे है और कुछ इस टाइप का डिजाइन बना हुआ है। बाकी मैं जल्दी से आप लोगों को वियर करके दिखाती हूँ फिर बताती हूँ कि क्या इसकी लुक होगी और क्या इसका रेट होगा। आप लोग देख ही सकते हो ये मैंने वियर करके दिखाया है, इसका बैक लुक, इसका फ्रंट लुक। आप देख सकते हो कि इसके फ्रंट में कितना अच्छा वर्क कर रखा है और जो सिक्के सिक्के में उन्होंने लेस लगा के रखा है वो काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है और अच्छा सा लग रहा है। इसमें कॉलर भी है जिसका क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मेटेरियल की बात करें तो कॉटन है, साइज की बात करें तो एम साइज है और फिटिंग वगैरह एकदम परफेक्ट है। कुर्ती की लेंथ एकदम परफेक्ट और पैंट आप लोग देख ही सकते हो काफी यूनिक सा पैंट है। नीचे से चुन्नटे दे रखा है, बॉर्डर भी है उसमें, अलग से लेस भी दे रखा है सिक्के वाला लेस जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऊपर से कुर्ती में पॉकेट भी दे रखा है फोन रखने के लिए, पैसे रखने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका स्लीव भी आप लोग देख ही सकते हो थोड़ा सा पफ स्लीव में है,
कमी की बात करें तो इसमें कोई भी कमी नहीं है, और अगर रेटिंग की बात करें तो 10/10 है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है समर में पहनने के लिए, एकदम बेस्ट है। नेक्स्ट पार्सल, और ये रहा पिक, ये भी ओपन बॉक्स डिलीवरी है, बाहर से थोड़ा कलर ही पता चल रहा है और बाकी कुछ नहीं दिख रहा। इसका जो प्राइस है वो 428 रुपए है। बाकी हम लोग जल्दी से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि हमें क्या क्या रिसीव हुआ है। इसमें साइज जो लिखा हुआ है वो 40 लिखा हुआ है, SML में नहीं लिखा हुआ है। और ये मुझे 3 पीस में रिसीव हुआ है। ये इसका दुपट्टा है, और ये इसका पैंट है, और ये इसका कुर्ती है। 428 रुपये में लग रहा है कि बहुत अच्छा रिसीव हुआ है। तो कुर्ती की बात करते हैं तो इसका जो मटेरियल है वो कॉटन में है, और इसका जो साइज है वो 40 लिखा हुआ है। बाकी ये आप देख सकते हो पाइप लेस से डिजाइन बना के रखा हुआ है, इस टाइप का कुछ डिजाइन है, और पूरे ही कुर्ती में ये प्रिंट है, इस टाइप का प्रिंट है, फ्रंट में बैक साइड में दोनों में ही प्रिंट है। जो इसका स्लीव है वो फुल स्लीव में है, और मटेरियल तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी लग रहा है कि मुझे कुर्ती की लेंथ कम है, बाकी तो वेयर करने के बाद पता चलेगा। बात करते हैं पैंट की, तो इसके बैक साइड में इलास्टिक लगी है, और फ्रंट साइड में आप लोग देख सकते हो इस टाइप का बॉर्डर है। यहाँ पे ये नाड़ा भी दिया हुआ है एडजस्ट करने के लिए। इसमें भी साइज 40 लिखा हुआ है, और इसके पैंट में जेब भी है। आप देख सकते हो पैंट बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें ये बॉर्डर भी बना हुआ है जिसमें थोड़ा सा लेस लगा है, और इस टाइप का प्रिंट है पूरे ही पैंट में, लाइनिंग लाइनिंग टाइप का व्हाइट कलर का। और इसका जो मटेरियल है वो भी कॉटन में है, मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है। बात करते हैं दुपट्टे की, तो ये रॉयल ब्लू कलर में है, और इसमें गोल्डन कलर का बॉर्डर है, ये कॉटन का मटेरियल है। बाकी पूरे ही दुपट्टे में कुछ इस टाइप का डिजाइन है। जो इसका लेंथ है वो 2 मीटर से ज्यादा है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 1 मीटर से ज्यादा है। और 428 रुपए के अंदर ये ड्रेस बहुत बहुत ज्यादा अच्छा दे रखा है उन्होंने। बाकी मैं जल्दी से वियर करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैस की फिटिंग होगी और कैस का रेटिंग होगा। ड्रेस तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये मैंने वियर करके दिखाया है, इसका बैक लुक, इसका फ्रंट लुक, इसका दुपट्टा, जो तीनों की मटेरियल है वो कॉटन का मटेरियल है, और समर में पहनने के लिए एकदम बेस्ट है। जो इसका साइज है वो एल साइज है, 40 साइज है, इसकी वजह से थोड़ा सा लूज हो रहा है, पर समर में लूज लूज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जो इसका पैंट है आप देख सकते हो, उसमें पॉकेट वगैरह है, और प्योर कॉटन का मटेरियल है। महंगे ड्रेसेस में भी इतना अच्छा पैंट नहीं देते जितना ये 400 रुपए के ड्रेस में इतना अच्छा पैंट दे दिया है। और दुपट्टा भी आप लोग देख ही सकते हो कि दुपट्टे की कभी लेंथ कम होती है, कभी चौड़ाई कम होती है, और इसकी लेंथ चौड़ाई बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी आप फिटिंग वगैरह देख सकते हो, एकदम ही परफेक्ट है, स्टिच वगैरह प्रॉपर हो रखा है। अगर कमी की बात करें तो कुर्ती की लेंथ मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, पर इस वजह से मैं रेटिंग कम नहीं करूंगी, क्योंकि पैंट और दुपट्टा अच्छे से भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं इसको रेटिंग 10/10 दूंगी। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कौन सा समर ड्रेस बहुत अच्छा लगा। ये है नेक्स्ट पार्सल, और ये रहा पिक। आप लोग देख ही सकते हो कि ये पिक में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बाहर से देखने में सेम टू सेम ही लग रहा है, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी है। इसका जो प्राइस है वो 360 रुपए है, ऑनली 360 रुपए, और देखने में सेम ही लग रहा है। बाकी हम लोग जल्दी से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि कैसा आया है क्वालिटी वगैरह। ये मुझे 2 पीस में रिसीव हुआ है, ये कुर्ती है और ये पैंट है। बात करते हैं कुर्ती की, जो इसका मटेरियल है वो रियॉन है, जो इसका साइज है वो एल साइज है। जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं एस साइज मंगाती हूँ, पर समर में थोड़ा लूज लूज अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एल साइज मंगा लिया है। और इसके फ्रंट में आप लोग देख सकते हो ये पोटली बटन है, जैसा पिक में दिखाया था वैसा ही। और इसका जो प्रिंट है वो जिगजैग पैटर्न में है, फ्रंट में भी और बैक साइड में भी प्रिंट कर रखा है। जो इसका स्लीव है वो 3/4 में स्लीव है। ओवरऑल इसका क्वालिटी वगैरह, स्टिच वगैरह एकदम प्रॉपर हो रखा है। बात करते हैं पैंट की, तो ये रियॉन का मटेरियल है, और इसके कमर के यहाँ पे इलास्टिक है, और ये पूरा प्लाजो है, स्ट्रेट प्लाजो में है, थोड़ा फ्लेयर वाला प्लाजो है। ओवरऑल मटेरियल क्वालिटी वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी मैं आप लोगों को वियर करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या इसकी रेटिंग होगी और क्या इसका लुक। ड्रेस तो आप लोग देख ही सकते हो, ये मैंने वियर करके दिखाया है, इसका फ्रंट लुक, इसका बैक लुक। इसका जो प्राइस है वो 360 रुपए है, ऑनली 360 रुपए के अंदर ये ड्रेस बहुत ज्यादा ही अच्छा है। जिसका साइज है वो एल साइज है, और फिटिंग वगैरह एकदम परफेक्ट है। मुझे थोड़ा लूज फिटिंग में चाहिए था, इसलिए मैंने एल साइज मंगाया था। बाकी इसकी स्टिच वगैरह एकदम प्रॉपर हो रखी है, कहीं से कोई सिलाई नहीं निकल रहा है। इसका जो पोटली बटन है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।
कुर्ते की लेंथ और घेर दोनों बहुत ही परफेक्ट है, पैंट का लेंथ भी अच्छा है, कमी की बात करें तो कोई भी कमी नहीं है, और अगर रेटिंग की बात करें तो 10/10 इसकी रेटिंग है, बाकी 360 रुपए के अंदर तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। ये है नेक्स्ट पार्सल और ये रहा पिक, ये भी ओपन बॉक्स डिलीवरी है, आजकल सब ओपन बॉक्स डिलीवरी है। इसका जो प्राइस है वो 475 रुपये है, बाकी हम लोग जल्दी से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि जैसा पिक में दिखाया था सेम टू सेम वैसा रिसीव हुआ है कि नहीं। जो इसका साइज है वो एम साइज में है, बाकी आप देख सकते हो ये इसका लुक है। ये मुझे दो पीस में रिसीव हुआ है, एक ये कुर्ती है और एक पैंट है। सबसे पहले हम लोग कुर्ती की बात करते हैं, तो इसका जो नेक है वो राउंड में है, जो इसका साइज है वो एम साइज है, और यहाँ पे ये बटन लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का डिजाइन है, ये स्लीव में इतना ही है और इस टाइप का कुछ कट है, बाकी इसके फ्रंट और बैक दोनों साइड में वर्क कर रखा है। इसका जो मटेरियल है वो खादी कॉटन में है और ये भारी कॉटन में है, और ये पिंक कलर के उसमें गोल्डन कलर का वर्क कर रखा है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बात करते हैं पैंट की, तो ये क्रेप का मटेरियल है और बहुत अच्छा क्रेप का मटेरियल है। इसके कमर के यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है और ये स्ट्रेट प्लाजो में है, घेर आप देख ही सकते हो प्लाजो का इतना ही है। बाकी मैं आप लोगों को जल्दी से वेयर करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैस की लुक होगा और कैस का रेटिंग होगा। ड्रेस तो आप लोग देख ही सकते हो, ये मैंने वेयर करके दिखाया है, इसका फ्रंट लुक, इसका बैक लुक। इसका जो कुर्ती है उसका मेटेरियल कॉटन में है, खादी कॉटन में है। जो पैंट है उसका मेटेरियल क्रेप में है, जिसका साइज है वो एम साइज है, फिटिंग वगैरह एकदम परफेक्ट है, और आप नेक डिजाइन देख सकते हो काफी ज्यादा स्टाइलिश है, जैसा पिक में दिखाया था मुझे सेम टू सेम वैसा रिसीव हुआ है। अगर कमी की बात करें तो इसमें कोई भी कमी नहीं है, सब परफेक्ट है, और स्लिप वगैरह एक्स्ट्रा नहीं दे रखा है। अगर रेटिंग की बात करें तो 10/10 है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। ये है नेक्स्ट पार्सल और ये रहा पिक, इसका जो प्राइस है वो 390 रुपये है ऑनली, बाकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। जैसा दिखाया था पिक में बाहर से तो सेम टू सेम ही है, बाकी हम लोग जल्दी से खोल के देखते हैं कि कैसा रिसीव हुआ है। ये मुझे दो पीस में रिसीव हुआ है, ये के कुर्ती है और ये पैंट है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कुर्ती की, तो जिसका साइज है वो एल साइज है, और आप देख सकते हो कि इसके फ्रंट में वर्क किया हुआ है चकोर में, ये धागे से व्हाइट कलर के धागे से वर्क कर रखा है। जिसका मटेरियल है वो रेयॉन है, जिसका स्लीव है वो पूरा फुल स्लीव में है, बाकी आप देख सकते हो अनारकली कुर्ती टाइप में है, घेर बहुत अच्छा दे रखा है, और समर में पहनने के लिए तो रेयॉन एकदम बेस्ट मटेरियल है। इसके बैक साइड में आप लोग देख सकते हो पूरा ही प्लेन है, बाकी इसके मटेरियल क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छा है। बात करते हैं पैंट की, तो इसके कमर के यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है, इसका जो मटेरियल है वो रेयॉन है, जिसका साइज है वो एल साइज है, बाकी इसके बॉर्डर के यहाँ पे ये लेस लगा हुआ है व्हाइट कलर का, ये देखने में काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है। बाकी मैं जल्दी से आप लोगों को वियर करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैसे की रेटिंग होगी। ड्रेस तो आप लोग देख ही सकते हो कि वियर करने के बाद कैसा लग रहा है, इसका बैक लुक, इसका फ्रंट लुक। जो कुर्ती है और जो पैंट है दोनों का मटेरियल ही रेयॉन है, जिसका साइज है वो एल साइज है, और आप देख सकते हो कुर्ती में फ्रंट में कितना अच्छा वर्क कर रखा है। इसका जो कुर्ती सेट है वो अनारकली कुर्ती सेट में है, मुझे कमी में सिर्फ एक ही लग रहा है कि कुर्ती की लेंथ थोड़ी सी कम लग रही है, पर वो हल्का सा कम है, उसके अलावा मटेरियल क्वालिटी वगैरह, स्टिच वगैरह, फिटिंग वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, इसलिए मैं इसको रेटिंग 10/10 दूंगी, और प्राइस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये है नेक्स्ट पार्सल और ये रहा पिक, ये भी ओपन बॉक्स डिलीवरी है, बाहर से देख के पता चल रहा है कि जो हमने मंगाया वही है। इसका जो प्राइस है वो 291 रुपये है ऑनली, और इसका जो साइज है वो एल साइज है, बाकी आप लोग देख ही सकते हो बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहा है पिंक कलर में। बाकी हम लोग जल्दी से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसका मटेरियल वगैरह क्या है। ये मुझे दो पीस में रिसीव हुआ है, ये कुर्ती है और ये पैंट है। बात करते कुर्ती की, तो इसका जो मटेरियल है वो रियॉन है, जो इसका साइज है वो एल साइज है, बाकी इसके गले के यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोटली बटन लगे हुए है, स्लिप कट में है, एक्स्ट्रा कोई भी स्लिप नहीं दिया हुआ है, और पूरी ही कुर्ती में ये प्रिंट है, फ्रंट में भी प्रिंट है और बैक साइड में भी पूरा प्रिंट कर रखा है, ओवरऑल स्टिच वगैरह एकदम प्रॉपर हुआ है कुर्ती में। तो बात करते हैं पैंट की, तो इसके कमर के यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है और ये क्रीम कलर में है। इसका जो मटेरियल है वो रेयॉन है, और जो इसका साइज है वो एल साइज है, और पूरा स्ट्रेट प्लाजो में है, हल्का घेर में,
ओवरऑल इसकी मेटेरियल क्वालिटी वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं जल्दी से वेयर करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैसी रेटिंग प्लस आप होगी। लोग देख ही सकते हो इसका फ्रंट लुक है और इसका बैक लुक है। इसमें कुर्ती और पैंट दो ही चीज रिसीव हुआ है। इसका जो मटेरियल है वो रियॉन है, जो इसका साइज है वो एल साइज है। बाकी कुर्ती की लेंथ, पैंट की लेंथ एकदम परफेक्ट है। कुर्ती में आप लोग देख सकते हो पोटली बटन लगा हुआ है, जिसकी क्वालिटी वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा है। स्टिच वगैरह एकदम प्रॉपर हो रखा है, कहीं से कोई सिलाई नहीं निकल रहा है। मैंने लूज लूज के चक्कर में एल साइज मंगा लिया, इसलिए थोड़ा सा लूज हो रहा है। और कुर्ती स्लिप कट में है, एक्सट्रेस में कोई भी स्लिप वगैरह नहीं दे रखा है। जो सिस्टर लोग मुझे बोलते हैं कि कुर्ती बहुत टाइम तक नहीं चलता है, वो रियॉन का मटेरियल होता है, क्योंकि रियॉन का मटेरियल समर में पहनने के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, पर बहुत लंबा नहीं चलता है, ये फट जाता है। बाकी 290 रुपए के अंदर पूरा कुर्ती सेट मिल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और रेटिंग की बात करें तो 10/10 है। ये नेक्स्ट पार्सल और ये रहा पिक। ये ओपन बॉक्स डिलीवरी में है, बाहर से दिख रहा है जैसा पिक में मंगाया वैसा ही रिसीव हुआ है। इसका जो प्राइस है वो 419 रुपए है। बाकी हम लोग जल्दी से खोल के देखते हैं। इसका जो साइज है वो एस साइज में है। बाकी आप लोग देख ही सकते हो ये मुझे 3 पीस में रिसीव हुआ है। एक दुपट्टा है, एक पैंट है और ये कुर्ती है। सबसे पहले हम लोग कुर्ती की बात करते हैं, तो ये खादी कॉटन में है, स्काई ब्लू इसका कलर है। और ये बॉर्डर के यहाँ पे स्लीव पे आप लोग देख सकते हो लेस लगा हुआ है, 3/4 में स्लीव है। और ये फ्रंट में ये पोटली बटन लगे हुए है। ये रहा इसका लुक, फ्रंट और बैक साइड में पूरा ही प्लेन है। बात करते हैं पैंट की, तो उसके कमर के यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है। जो उसका साइज है वो एस साइज है। जो उसका मटेरियल है वो खादी कॉटन में है और इसके बॉर्डर में कुछ इस टाइप का कट दे रखा है। और ये रहा पोटली बटन भी लगा हुआ है बॉर्डर में। ओवरऑल पैंट थोड़ा अच्छा ही दे रखा है उन्होंने, मटेरियल वगैरह भी। बात करते हैं दुपट्टे की, तो इसका जो मटेरियल है वो नेट है और आप देख सकते हैं इसके लंबे साइड में ये छोटा सा लेस लगा के रखा है और ये चौड़े साइड में इस टाइप का लेस लगा के रखा है, जो कि काफी चौड़ा है और अच्छा लग रहा है। इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है। बाकी मैं जल्दी से वियर करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैसा का लुक होगा और कैसा की रेटिंग। आप लोग देख ही सकते हो ये मैंने वियर करके रखा है, इसका फ्रंट लुक, इसका बैक लुक, इसका दुपट्टा। ये मुझे 3 पीस में रिसीव हुआ है। कुर्ती और पैंट का जो मटेरियल है वो खादी कॉटन में है और दुपट्टा का मटेरियल नेट में है। जिसका साइज है वो ने एस साइज मंगाया था, उसमें मेंशन था कि 36 है एस साइज, जबकि मेरे को लग रहा है कि ये कम आ गया है, इसलिए मेरे को ये टाइट हो रहा है। अगर फिटिंग की बात करें तो फिटिंग उतना अच्छा नहीं है और कुर्ती की लेंथ आप लोग देख सकते हो कम है। पैंट का तो लेंथ वगैरह सही है और पैंट में एक्स्ट्रा जेब वगैरह भी दे रखा है। दुपट्टा बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर पैंट उसका जो स्टिच हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए वो पहनते टाइम थोड़ा खिंच गया तो वो फट गया। बाकी अगर रेटिंग की बात करें तो मैं रेटिंग इसको 7 दूंगी, क्योंकि मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे मटेरियल अच्छा है, पोटली बटन वगैरह इसका मटेरियल अच्छा है, पर साइज इशू हो रहा है, कुर्ती का लेंथ इशू हो रहा है और पैंट में स्टिचिंग भी अच्छी नहीं है, इसलिए इसका रेटिंग 7 दूंगी। नेक्स्ट पार्सल और ये रहा पिक। इसका जो प्राइस है वो 380 रुपए है। बाकी हम लोग जल्दी से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। वैसे तो ओपन बॉक्स डिलीवरी है, बाहर से देख के पता ही चल रहा है कि जैसा पिक में दिखाया था वैसा ही रिसीव हुआ है। ये मुझे 2 पीस में रिसीव हुआ है, एक ये कुर्ती है और एक पैंट है। दोनों का जो मटेरियल है वो रियॉन है। चलो लोग बात करते हैं कुर्ती की, तो इसका जो साइज है वो एल साइज है। जो इसका मटेरियल है वो रियॉन है और गले के यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डोरी डिजाइन में है। ये पिंक कलर में ब्लैक कलर का प्रिंट कर रखा है। जो स्लीव है वो 3/4 में स्लीव है और यहाँ पे कुछ ये जोड़ लगा के रखा है। दोनों ही साइड में डिजाइन है इस टाइप का और इसके फ्रंट बैक दोनों ही साइड में प्रिंट कर रखा है। बात करते हैं पैंट की, तो इसका जो साइज है वो एल साइज है और ये पैंट नहीं है, स्कर्ट है। ये देखिए ये स्कर्ट है, स्कर्ट के साथ कुर्ती है। बाकी इसमें आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर में और ये इस टाइप का कुछ प्रिंट कर रखा है। इसका जो मटेरियल है वो रियॉन है और इसमें लेयर में चुन्नटे है। ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है और ये इसका बॉर्डर है। और मैंने कुर्ती सेट मतलब एक्सपेक्ट किया था, पर मेरे को ये मतलब गाउन और कुर्ती रिसीव हो गया है। बाकी मैं जल्दी से वियर करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैसा की रेटिंग है और कैसा लुक होगा। कुर्ती सेट तो आप लोग देख ही सकते हो, मैंने सोचा था कि ये कुर्ती और पैंट आएगा, पर यहाँ पे स्कर्ट और कुर्ती आ गया है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और ये इसका फ्रंट लुक है, इसका बैक लुक है। जो स्कर्ट है इसमें घेर अच्छा खासा दे रखा है और उसमें प्लेटों में चुन्नटे है, नीचे बॉर्डर भी है जो की काफी अच्छा लग रहा है। कुर्ती का भी आप लोग देख सकते हो जो मटेरियल है वो रियॉन है दोनों का और फिटिंग वगैरह अच्छा है, लूज लूज है, अच्छा लग रहा है, अच्छा सा लुक आ रहा है।
रहा है। ओवरऑल मुझे ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्टिचिंग वगैरह, फिटिंग वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। अगर कमी की बात करें तो उसमें कोई भी कमी नहीं है। स्कर्ट टॉप अलग से टॉप वगैरह के साथ भी वियर कर सकते हो। अगर रेटिंग की बात करें तो 10 से भी ज्यादा है, यानी कि 10/10 है। यह नेक्स्ट पार्सल और ये रहा पिक। इसका जो प्राइस है वो 498 रुपए है, यानी कि 500 रुपए है। ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो बाहर से देखते तो कुछ कुछ सेम टू सेम ही लग रहा है। बाकी हम लोग जल्दी से अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। इसका जो साइज मंगाया था मैंने एल साइज मंगाया था, बाकी आप लोग देख ही सकते हो। ये मुझे 3 पीस में रिसीव हुआ है। एक दुपट्टा है, एक पैंट है और ये कुर्ती है। सबसे पहले हम लोग कुर्ती की बात करते हैं तो आप इसका नेक देख सकते हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इसका नेक है और कुछ इस टाइप का प्रिंट कर रखा है फ्रंट में भी और बैक में भी। बात करें स्लीव की तो आप लोग देख सकते हो कि ये फ्लेयर लगा हुआ है 2 लेयर और इसमें बहुत अच्छा घेर है और ये बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये रहा इसका बैक का पोर्शन और ये फ्रंट में ये बॉर्डर भी दे रखा है। बाकी मैं आप लोग को वियर करके दिखाऊंगी तो लुक का पता चलेगा। बात करें पैंट की तो इसके कमर के यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है। इसका जो साइज है वो एल साइज है। इसका जो मटेरियल है वो कॉटन है और ये स्ट्रेट प्लाजो में है। आप देख सकते हो इस टाइप का प्रिंट किया हुआ है। कुर्ती और पैंट दोनों का मटेरियल ये कॉटन है। बात करें दुपट्टे की तो इसका जो मटेरियल है वो कॉटन है और कुछ इस टाइप का प्रिंट किया हुआ है। ये बॉर्डर है जो मुझे लग रहा है कि साड़ी का पीस है और ये देखिए इस टाइप का भी ये बॉर्डर बना हुआ है। साइड में इस साइड में भी इस टाइप का बॉर्डर बना हुआ है। इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर है, जो इसकी चौड़ाई है वो 1 मीटर से ज्यादा है। बाकी मैं जल्दी से आप लोगों को वियर करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या इसका रेटिंग होगा और क्या इसका लुक होगा। तो आप लोग देख ही सकते हो ये रहा इसका लुक, फ्रंट लुक, बैक लुक, दुपट्टे का लुक। अगर कुर्ती और पैंट की बात करें तो मुझे ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कुर्ती का आप लोग गले का डिजाइन देख सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा ये ब्यूटीफुल सा डिजाइन है। स्लिप का घेर बहुत ज्यादा अच्छा है, 2 लेयर में दे रखा है और बहुत अच्छा घेर दे रखा है। प्रिंट वगैरह कोई कमी नहीं है। मटेरियल क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। जो मैंने साइज मंगाया था एल मंगाया था, थोड़ा लूज हो रहा है। फिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा है। तीनों का मटेरियल ही कॉटन है और बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। बात करें दुपट्टे की तो इसका मटेरियल क्वालिटी तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर मेरे को देखने में अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा मेरे को साड़ी साड़ी जैसा लुक लग रहा है। इसीलिए दुपट्टे की वजह से मैं इसको रेटिंग 9 दूंगी। ओवरऑल क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोगों को मेरे कलेक्शन पसंद आती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा ड्रेस अच्छा लगा। बेल आइकन जरूर बजा देना ताकि वीडियो डालते ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप अपने लिए शॉपिंग कर पाए। इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसा प्यार और सपोर्ट करते रहिए। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नए कलेक्शन के साथ।